35 साल बाद राजा मानसिंह को मिला न्याय। 11 पुलिसकर्मी दोषी। मथुरा 21 फरवरी 1985 को भरतपुर के राजा मानसिंह की पुलिस वालों द्वारा दिनदहाड़े निर्मम हत्या की गई थी, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 38/85 थाना भरतपुर में पंजीकृत कराया था। इस हत्याकांड में ठाकुर हरि सिंह और ठाकुर सुमेर सिंह भी मारे गए थे। 28 फरवरी को राजा मानसिंह की हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। जयपुर हाई कोर्ट में मुकदमा चला, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की मदद से 1990 में मथुरा जिला न्यायालय में स्थानांतरण किया गया। 35 साल चले इस मुकदमे के बाद मंगलवार को राजा मानसिंह और साथी हरि सिंह और सुमेर सिंह को न्याय मिला है। इस हत्याकांड में कुल 14 लोगों में से 11 लोगों को दोषी माना है, जिनमें कान सिंह भाटी, वीरेंद्र सिंह, जगत राम, जगराम सिंह, जगमोहन सिंह, भंवर सिंह, हरिराम, शेर सिंह, छत्तर सिंह, पद्माराम, रवि शेखर आदि पुलिसकर्मी शामिल है, जबकि 3 पुलिसकर्मियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दोषी पाए गए 11 पुलिसकर्मियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। अगर अधिवक्ता माने तो बुधवार को सजा मुकर्रर करने के लिए बहस होनी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजा मान सिंह की पुत्री दीपा कौर ने बताया, 35 साल बाद ही सही, लेकिन राजा मान सिंह, ठाकुर हरि सिंह और सुमेर सिंह को न्याय तो मिला। इस दौरान कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात था। मथुरा से अनिरुद्ध शर्मा के साथ मुरली मनोहर सिंह की यह खास रिपोर्ट। आरोपी सजा कल।